अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। किचन में दाबिश पे मैं आ जाई हूँ आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मटन कढ़ाई। तो मटन कढ़ाई के लिए मैंने मटन का, ये देखें, मटन ले लिया गोश्त मैंने, और 2 kg इसको मैंने धो के इस बास्केट में डाल दिया। 2 kg गोश्त होगा तो 1/2 kg ही मैंने इसमें टमाटर लिए हैं। ये देखें, मैंने टमाटर मैंने स्लाइस में काट लिए हैं। 2 चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, और 1/2 kg ही मैंने प्याज लिए हैं। ये भी मैंने, ये देखे ना, इसमें स्लाइस में काट के रख लिया बास्केट में। और इसमें जो मसाले डलेंगे, उन मसालों में मैंने पीसा धनिया ले लिया है, ये 2 टेबल स्पून है। हल्दी 1/2 टेबल स्पून है। सुर्ख मिर्च पीसी हुई है 1.5 टेबल स्पून है। और नमक भी 1 से 1.5 टेबल स्पून है। जो मसाले हैं ये अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहता है वो ज़्यादा कर ले, अगर कोई कम खाना चाहता है तो वो कम कर सकता है। ऑयल मुझे 1.5 से 2 कप ऑयल चाहिए। तो चले आए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। और इसमें मैंने प्याज डाल दिया है, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी मैंने डाल दिया, और ये सारे मसाले मैंने डाल दिए। और इसमें मैं 2 ग्लास पानी डालूंगी। ये मैंने पानी के 2 ग्लास डाल दिए। अब मैं ऐसा करूंगी, इसका ढक्कन बंद करके इसको 20 मिनट के लिए मैं ना बंद करके रख दूंगी कि हमारा गोश्त गल जाएगा। फिर मैं बाकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो व्यूवर्स देखें, 20 मिनट और मैंने इसको बंद किया था। 20 मिनट के बाद मैंने अब प्रेशर खोला है और गोश्त माशाल्लाह से हमारा गल गया हुआ है। और अब मैं इस पॉइंट पे इसमें घी ऐड कर दूंगी 1 से 1.5 कप। अब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है 1 से 1.5 कप। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी कि हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से भून जाए और जो पानी थोड़ा बहुत रह गया हुआ है वो भी ड्राई हो जाए। और ये कढ़ाई बहुत ही टेस्टी बनती है, मटन कढ़ाई। आप भी बनाएं, इंजॉय करें। ये ईद स्पेशल कढ़ाई है, ये मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और ईद पे आपने ज़रूर बनानी है ये रेसिपी। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी ट्राई करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करें और ईद पे अपने प्यारों के साथ मेरी रेसिपी बना कर इंजॉय भी करें। तो ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई गोश्त जो है भुनी जा रही है। और देखें कैसे इसका घी सेपरेट, ऑयल सेपरेट हो रहा है, और बहुत ही मज़े की कढ़ाई बन रही है आज। नान के साथ खाएं आप, रोटी के साथ खाएं, और ईद पे अपने मेहमानों को खिलाएं, बहुत ही मज़ा आएगा उनको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, मेरी रेसिपी शेयर करें। व्यूअर्स, फीडबैक ज़रूर दिया करें। और ये ईद स्पेशल रेसिपी है, आपने भी बनानी है और इंजॉय करनी है। देखें कितना ज़बरदस्त हमारा ये कढ़ाई गोश्त हमारी रेडी हो रही है, मटन कढ़ाई। देखें ये कढ़ाई हमारी भुनी गई है, कढ़ाई गोश्त मैंने अच्छी तरह से भून ली है, ऑयल सेपरेट हो गया है। और इसमें मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, वो मैंने थोड़ी सी दही डाली थी 1 कप दही का, और वो भी मैंने डाल के इसको भून लिया है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई रेडी हुई है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ व्यूवर्स। तो देखिए व्यूवर्स, हमारी माशाल्लाह से मटन कढ़ाई रेडी हो गई है, और मैंने डिश आउट करके भी आपको दिखा दी है। और देखें ये हरी मिर्चों के साथ और लीमू के साथ इसका बहुत ही मज़ा आता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी रेसिपी ट्राई करें। और ईद पे ये रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है और इंजॉय करनी है। ये बहुत ही मज़े की मटन कढ़ाई मैंने आज आपको बनानी सिखाई है। तो अब मुझे आपसे इजाज़त चाहिए। इंशाल्लाह मैं किचन विद आबिश में कल एक नई रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।